श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद् गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्लोक 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 एवं 34। श्लोक 27। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। श्लोक 28। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। श्लोक 29। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति। श्लोक 30। यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। श्लोक 31। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। श्लोक 32। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। श्लोक 33। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। श्लोक 34। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरं ज्ञानचक्षुषा
भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। श्लोक 27-28। अर्थ, जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। श्लोक 29-30। अर्थ, और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 31-32। अर्थ, हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। श्लोक 33। अर्थ, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। श्लोक 34। अर्थ, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।